इसको आप डिसएडवांटेज कहेंगे। हाँ, वो तरीका या मेथोडोलॉजी प्रॉपर फॉलो न करने के वजह से वो ध्यान का डिसएडवांटेज नहीं है। जैसे अभी कुछ मैंने बेसिक तंत्र शुरू में बताए कि आपका बैठना जो है वो किस तरह से बैठना है, तो या तो आप पद्मासन में बैठो या सुखासन में बैठो। बहुत सारे लोगों को जो आपने बताया यदि कुछ दिक्कत होती है तो वो ज्यादातर रूप से वो रीढ़ की हड्डी सीधी न रख के होती है। रीढ़ की हड्डी को सीधे रखना बहुत आवश्यक है और इसीलिए ओंकार का आसान तरीका सबने फॉलो करना ही चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे चैनल्स क्लियर नहीं होते तब तक मेडिटेशन में जो ऊर्जा प्रवाह होना है, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी हमारे शरीर में उस समय होते हैं। बीपी हमारा हाई नीचे हो जाता है मेडिटेशन के समय, जो होना भी चाहिए, जरूरी होता है। लेकिन यदि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है तो फिर उसके एनर्जी के चैनलाइज होने में दिक्कतें आती है और उसमें फिर कुछ लोगों को ये समस्या हो जाती है जो आप बता रहे हैं। वो मेथोडोलॉजी फॉलो न करने के वजह से है, वो मेडिटेशन का डिसएडवांटेज नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि सुखा सुखा